हेलो एवरीबॉडी, आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट लेसन। ओके, सो अपन लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं तो दिस वुड बी क्रैश कोर्स काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, हम लोग पहले एक स्टोरी पैनल के अंदर जो चैप्टर है उसको बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को जो PDF वर्जन है मैं वो थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस वाले लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को वो बता दूंगा, ठीक है। फाइन, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन। ओके, एंड दिस लास्ट लेसन हैज बीन रिटन बाय होम? इट हैज बीन रिटन बाय अल्फोंसो डॉडी। ओके, अल्फोंसो डॉडी कहाँ का है? फ्रांस का है, ठीक है। जो बात हो रही है, अपन लोग कहाँ की चल रहे हैं? अपन लोग अभी मॉडर्न डे की बात नहीं कर रहे, अपन लोग बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन लोग कब की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं 1870s और 71 की, ठीक है। 1870-71 जब टेक्नोलॉजी जो थी, इट हैज़ इट डिड नॉट टेक ओवर, और बहुत सही चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा बेसिक थी, ठीक है ना। एक ही टीचर था, वो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, ठीक है ना। गांव जो थे, जो विलेजेस होते थे, बहुत छोटे होते थे। पॉपुलेशन जो थी वो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। जो स्कूल थे दे वर नॉट एज दे आर टुडे, ठीक है। सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं, दे आर टू पीपल इन दिस चैप्टर विच हु आर दैट मेन, ठीक है ना। वो जो दो लोग हैं वो कौन कौन है? एक तो है फ्रांस, ओके, एंड सेकेंड इज एम हैमल। अगर अपन लोग फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस इज दैट फ्रांस इज द स्टूडेंट, ठीक है। और एम हैमल जो है ये कौन है? ही इज द टीचर, ठीक है। अब हुआ क्या, यू मस्ट रिमेंबर टू थिंग्स, ठीक है। 1870-71 के अंदर देयर वाज अ वॉर, ठीक है ना। वॉर ब्रोक आउट बिटवीन होम, वॉर ब्रोक आउट बिटवीन प्रूशिया, ओके, एंड फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस और प्रूशिया के बीच में क्या हुआ था? देयर वाज अ वॉर, ठीक है। प्रूशिया ओटोमन एम्पायर थी, जर्मनी था, इन सबका मिक्सचर था, उसको अपन लोग प्रूशिया बोलते हैं। तो प्रूशिया ने क्या करा? प्रूशिया वॉज द वन विच वॉज वेरी पावरफुल, ठीक है। तो प्रूशिया ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, वन वॉज अल्सास, ठीक है, एंड सेकेंड वन वॉज लॉराइन, ओके, इन दोनों को कैप्चर कर दिया। तो ये जो स्टोरी, ये स्टोरी कहाँ की? ये स्टोरी है आप लोगों की अल्सास की, ठीक है। क्या हुआ? दैट प्रूशिया मतलब कि जर्मन, ठीक है। प्रूशिया ने क्या करा? प्रूशिया ने अल्सास को कैप्चर कर लिया। अब प्रूशिया ने अल्सास को कैप्चर कर लिया तो क्या हुआ? यहाँ के जितने भी स्कूल्स थे उन सबको बोल दिया गया कि यू पीपल आर नॉट सपोज टू टीच फ्रेंच, ठीक है। एम हैमल जो थे वो क्या थे? ही वॉज फ्रेंच, ठीक है ना, हिज नेशनलिटी वॉज फ्रेंच। तो अब ये जो बात हो रही है, बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है कि भाई एम हैमल ने अपनी लाइफ के 40 ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 40 ईयर्स ही टॉट ओवर देयर इन अल्सास फ्रेंच, ठीक है। एंड नाउ ही वॉज आस्क्ड टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू फ्रांस, बिकॉज अल्सास तो अब किसकी टेरिटरी हो गई थी? जर्मनी की, ठीक है। और ये जो बंदा है फ्रांस, ओके, इस फ्रांस के साथ क्या था? ही वॉज लाइक थोड़ा सा आवारा टाइप का था, पढ़ने में ज़्यादा मन वगैरह इसका लगता नहीं था, ठीक है ना। नॉर्मल बंदा था, मतलब जो उसके पेरेंट्स थे उन पेरेंट्स ने भी क्या करा था, पेरेंट्स ने इसको मतलब बना स्कूल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। पेरेंट्स को यही लगता था कि बच्चा जो है वो काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, ही वुड फेच सम मनी। तो इस वजह से क्या हुआ, फ्रांस जो था उसके पेरेंट्स उसके पास ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फ्रांस फैक्ट्रीज में काम करता था, ठीक है ना, फाइन, मतलब अलग अलग जगहों पे वो काम करता था। फिर भी मतलब ही वॉज लीस इंटरेस्टेड इन स्टडीज, उसको बाहर नेचर में घूमना, ठीक है ना, बाहर रूरल दैट रूरल एरिया जो है उसको देखना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बिल्कुल भी ऐसे मज़ा ही नहीं आता था उसको पढ़ने में, बहुत ज़्यादा जी चुराता था वो स्कूल से, ठीक है। अब एक दिन वो स्कूल पहुंचा, ठीक है, तो उसको क्या मालूम पड़ा, उस प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उसको एम हैमल ने एक होमवर्क दिया था, एंड व्हाट वाज दैट होमवर्क? दैट होमवर्क वाज ऑफ पार्टिसिपल्स, ओके, क्या था होमवर्क? पार्टिसिपल्स की, भाई टुमारो यू विल हैव टू डू व्हाट? यू विल हैव टू सर्च फॉर पार्टिसिपल्स एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस। गूगल वगैरह कुछ था नहीं उस वक्त, लैपटॉप्स वगैरह होते नहीं थे, तो अब इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि यार मैं कहाँ से पढ़ूँ। तो इसने क्या करा, इसने ही वॉज क्वाइट केयरलेस, प्रोक्रास्टिनेटर था, केयरलेस था कि भाई छोड़ो अपन लोग तो नहीं करते, फालतू में क्या फ़ायदा, कुछ मिलना जाना तो है नहीं। तो इसने पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ भी करा नहीं। अब सुबह सुबह इसका स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था, पता था कि भाई वहाँ स्कूल जाएगा तो एम हैमल के पास क्या होगा, ही मस्ट बी हैविंग हिज मेटल केन, ठीक है ना, और उससे क्या होगा, उससे इसको ही वुड गेट स्कोल्डेड, ठीक है।
लेकिन जब वो ज्यादा था तो ही मतलब फाउंड एवरीथिंग टू बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर डेज, ठीक है ना। उस दिन क्या हुआ, जब ये स्कूल पहुंचा, ठीक है ना, कैसे भी करके अपने माइंड को कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, थोड़ा सा ऐसे डेयरिंग करके, ही जस्ट रीच स्कूल। एंड व्हेन ही रीच्ड ओवर देयर तो ही फाउंड दैट एवरीथिंग वाज नॉट एज केओटिक एज इट यूज्ड टू बी, ठीक है ना। पहले तो स्कूल के अंदर क्या होता था, जब स्कूल स्टार्ट होता था तो उस वक्त सब लोग, एवरीबडी यूज टू रिसाइट द लास्ट लेसन, ठीक है ना, इन दैट यूनिफॉर्मली। उसके अलावा मतलब है ना, देर वॉज दैट हसल मसल वॉज देयर, ठीक है ना, सब कुछ बहुत हॉट स्पॉट रहता था। ओके, जो बेंचेस वगैरह हैं वो ऐसे, मतलब एवरीबडी यूज टू दैट क्रिएट दैट श्रीक साउंड ऑफ बेंचेस एंड ऑल, ठीक है ना, बाय एडजस्टिंग दैम, और सब लोग रिसाइट करते थे लेसन। तो उस दिन सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था, एवरीथिंग वॉज क्वाइट साइलेंट, एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग। तो ही जस्ट वेंट ओवर देयर, ही सॉ कि भाई स्कूल बंद तो नहीं है, लेकिन उसने जब विंडो पे देखा तो उसके दोस्त थे, उसने बोला यार विंडो तो स्कूल तो बंद नहीं है, चलना तो पड़ेगा। तो ही जस्ट एंटर्ड। पहले उसको ये लगता था कि भाई उसी जो साउंड, जो नॉइस वगैरह होता था, जो हसल बसल होती थी, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर जो फ्रांस था, वो फ्रांस बहुत ईजिली, सरप्टिशियसली, बहुत हिडन मैनर के अंदर वो क्या होता था, स्कूल में बैठ जाता था, किसी को मालूम नहीं पड़ता था, ठीक है ना। आज प्रॉब्लम हो गई कि भाई सबको मालूम पड़ जाएगा, उसने गेट खोला लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड ही जस्ट केम, उसके जो टीचर थे एमएमएल, उन्होंने बोला कि भाई आजा बैठ जा, आज तो बैठ जा, ठीक है। नाउ व्हेन ही एंटर्ड ओवर देयर तो ही सॉ सम थिंग्स व्हिच वर क्वाइट डिफरेंट। पहली चीज तो अपन लोगों ने पढ़ ली कि सब कुछ क्या था, सब कुछ बहुत ज्यादा साइलेंट था। ओके, सेकेंड जो बात आई, सेकेंड बात क्या आई, मिस्टर एमएमएल जो थे, ओके, ही वॉज वॉट, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ वेरी फॉर्मल मैनर, ठीक है ना। वो ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने जो वो जनरल सेरेमनीज या फिर संडेज को पहनते थे, ठीक है ना, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है तो उस सबको पहनेंगे, या फिर संडे को कुछ मीटिंग वगैरह तो उसको पहनेंगे। एंड वॉट वॉज दैट ड्रेस, इट वॉज अ ग्रीन कोट अलॉन्ग विथ अ फ्रिल्ड शर्ट एंड अ ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कैप। ओके, तो उसको लगा भी आज का स्पेशल है, तो उसने पीछे देखा, अपन लोग देखते ना ऐसे क्लास में एंटर हो गया, दोस्त आया नहीं आया, उसने पीछे देखा तो भाई साहब पीछे तो विलेजर्स बैठे हुए थे। ओके, एंड वहाँ पे एक बंदा था, उसने अपना ना मतलब एवरीबडी वॉज सेटिंग ओवर दिया, चलो हो गया। फिर हेमल ने स्टार्ट करा पढ़ाना, आनी वो लाइक कि भाई अच्छा है ना, स्कूल आते हुए भी ये हुआ था, एक बुलेटिन बोर्ड होता था वहाँ पे फ्रांस के अंदर, ठीक है ना, क्या होता था बुलेटिन बोर्ड। उस वक्त टीवी रेडियो और कुछ होते नहीं थे, तो जो विलेजर्स थे उनको कैसे न्यूज़ मिलेगी, तो वो जो बुलेटिन बोर्ड है, उन बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या होता था, उन बुलेटिन बोर्ड के ऊपर सब कुछ चीज़ें लिखी जाती थी, ठीक है। क्या लिखा जाता था कि भाई व्हाट इज़ द लेटेस्ट, व्हाट इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़, या व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो उस दिन भी क्या हुआ था, जो बुलेटिन बोर्ड थे ना उसके ऊपर देर वॉज अ लार्ज क्राउड वॉज गैदर्ड अराउंड इट, ठीक है ना। लेकिन ये जो बंदा था कौन, फ्रांस, इसने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। और वो आया तो उसको लगा यार भाई कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो वबिश हुआ है। तब मिस्टर एम हमल ने स्टार्ट करा कि भाई ना क्या, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम बर्लिन पर्टिकुलरली, ओके, बर्लिन इज इन जर्मनी, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम जर्मनी दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी टॉट व्हाट, यू विल बी टॉट जर्मन नॉट फ्रेंच। अब भाई साहब अभी तक तो इसको वैल्यू नहीं थी, किसको, फ्रांस जो था उसको वैल्यू नहीं थी, किसकी, फ्रेंच की। अभी तक तो जी जो रहता था कि अरे मैं कोई फ्रेंच पढ़ूंगा क्या, अरे घंटिया लैंग्वेज। और जब उसके पास ये वाली बात आ गई कि भाई आज तो लास्ट लेसन है, तो उसके लिए जितना भी पूरी दुनिया भर का प्यार था वो मर के आ गया इस लैंग्वेज के लिए, नहीं भाई मैं तो आज ही पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते करते इट इज ऑल अबाउट द थिंग्स कि जो अपने पास होती है, जब कोई चीज अपने पास होती है तो वी डू नॉट वैल्यू इट, एंड वेन एवर वी बिगिन टू लूज इट उस समय हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो हमारे को रियलाइज होती है। द सेम हैपेंड विद फ्रांस। चलो एम एम एल ने शर्ट करा, हाँ भी फ्रांस खड़ा हो जा, कल होमवर्क दिया था तेरे को पार्टिसिपल का, खड़ा हो और बता क्या हुआ, क्या पढ़ा। तो फ्रांस ने तो कुछ पढ़ा नहीं था, तो ही वो लाइक ऐसे ऐसे मुंह लटका के खड़ा हो गया सर, ठीक है। अब वो मुंह लटका के खड़ा हुआ तो अब यहाँ पे एम एम एल को गुस्सा है कि यार देखो मतलब है ना, यू ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेटेड, ठीक है ना, सबको उसने बोला कि यू ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेटेड, कि नहीं हम लोग ये आज नहीं कर रहे, हम लोग ये काम कल कर लेंगे। और ये प्रॉब्लम किसके साथ है, ये प्रॉब्लम लोगों के, इसके साथ नहीं है, फ्रांस के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम है अल्सास के लोगों के साथ, कि हर कोई क्या सोचता है कि ये काम तो अपन लोग कल कर लेंगे। और इस वजह से देखो आज आप लोग का लास्ट लेसन है, और इसके बाद आप लोग कभी भी कल जो है वो कल पढ़ नहीं पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू रीड फ्रेंच, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट फ्रेंच जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। और सोचो कल को जर्मन लोग यहाँ पे आएंगे एंड दे विल आस्क यू टू राइट समथिंग इन फ्रेंच, और दे विल आस्क यू टू रीड समथिंग इन फ्रेंच, एंड यू विल फील हाउ मच अशेम्ड। वो लोगों को कैसा लगेगा कि कैसे फ्रेंच लोग हैं, ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, और अपने आप को फ्रेंच बोलते हैं,
ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। कौन अपसेट हो गए? मिस्टर रैम अमल, टीचर होते हैं, टीचर अपसेट होती है, पता ही है आप लोगों को। फिर एम एवल की यार नहीं, आप लोग वो भी थोड़े से इमोशनल हो रखे थे कि भाई लास्ट ही स्पेंट 40 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ओवर देयर, ठीक है, तो उनको भी बुरा लग रहा था कि एकदम से ही वॉज अबाउट टू लीव एवरीथिंग, ठीक है। सो ही वॉज लाइक यार आई हैव टू लीव एवरीथिंग, ठीक है ना। लेकिन जितना आप लोगों का रोल है किसके अंदर, ये जो नहीं पढ़ने के अंदर, मतलब आप लोग जो लेसन है उसको स्किप कर गए, उतना ही रोल मेरा भी है। आई वॉज ऑल्सो लेथार्जिक, मतलब ही वॉज बींग हम्बल यू में से, ठीक है, कि भाई हैड आई नॉट टोल्ड फ्रांस टू वाटर माई प्लांट्स। अच्छा, एम एमएल के स्कूल के अंदर एक बहुत अच्छा सा गार्डन था, ठीक है ना, ही वॉज द प्रिंसिपल, ही वॉज द ओनर ऑफ द स्कूल एंड ही वॉज द सोल टीचर ऑफ दैट स्कूल, इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं था कि भाई प्रिंसिपल का ऐसे अलग है और पुराने वाले अलग है, नहीं, और सब लोग एक साथ ही पढ़ते थे, ये था वहाँ का जो स्कूल था, इट वॉज लाइक दैट, ठीक है। तो ना फ्रेंड्स वॉज लाइक दिस, वो सही है, एम एमएल वॉज लाइक दिस कि भाई मेरा भी वो है क्या, I am the one who is responsible. Ki bhai, when I was going for fishing, I gave you the break. So I shouldn't have done that. Mereko jab fishing pe jana tha, to I gave you the break. So I shouldn't have done that. And second thing was what? Second thing was ki bhai, what? In fact, I shouldn't have sent you over there to water my plants. ठीक है, चलो ऐसे हो गया थोड़ा सा डाटा वाटा, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने फिर लेसन जो है वो पढ़ाया, ठीक है ना। He taught them participles. लास्ट लेसन था, मतलब लास्ट डे था, तो इस वजह से ही जस्ट गेव हिज 200%। इनफैक्ट जो फ्रांस था, फ्रांस वॉज द वन कि भाई नहीं, आज तो मेरे को सब कुछ समझ में आया, ठीक है ना, बिल्कुल जो भी सर ने बोला, एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो है, दैट आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। हो गया ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ही गेव समथिंग टू राइट, ठीक है ना, कि भाई लिखो। अब लिखने के लिए दे दिया किसके अंदर? फ्रेंच के अंदर। और ही जस्ट सेट ओवर देयर, तो मैंने ही सेट ओवर देयर टू ही बिगेन नोटिसिंग एवरीथिंग, ठीक है ना। वो पूरे अपने ना उसके क्लास के बाहर देख रहे थे, ओके, देयर वाज व्हाट, देयर वाज अ वाइन क्रीपर वाज देयर, ठीक है, होप वाइन, वाइन क्रीपर वाज देयर, उसके अलावा देयर वाज अ ट्री ओवर देयर विच ही हिमसेल्फ प्लांटेड, ओके, एंड इन दोज 40 ईयर्स इट ग्रू टू बिकम इनॉर्मस इन साइज। तो फ्रांस जो था वही पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, वापस टीचर को देखने लग गया, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब टीचर को जब देखा तो टीचर जो था वो क्या कर रहा था, वो बेचारा ऐसे सब कुछ नोट कर रहा था, एज इफ इट वॉज हिज, मतलब एज इफ टू क्रिएट द मेमोरी ऑफ एवरीथिंग, एज इफ टू क्रिएट पिक्चर स्टिल ऑफ एवरीथिंग इन हिज माइंड, सो दैट इट वुड नॉट वैनिश इन फ्यूचर, ठीक है। इनफैक्ट हिज सिस्टर, हूज सिस्टर, एम हैमल सिस्टर, वॉज पैकिंग अपस्टेयर्स, ठीक है, she was packing everything and it was definitely creating that noise, but he was least bothered about those noise, he was continuously teaching, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, जो villagers बैठे हुए थे, उन villagers के अंदर क्या हुआ, उन villagers के अंदर there were some prominent people, ठीक है ना, कौन थे उनके अंदर, कुछ prominent people थे, and what, who was the prominent people, mayor was there, ठीक है, fine, उसके अलावा that former postmaster was there, ठीक है, और एक बंदा था, हिज नेम वॉज वॉट, हिज नेम वॉज हॉसर, HAUSER, हॉसर। तो ये जो हॉसर था ना, इसको भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, बट दैट डे ही बॉट वॉट, ही बॉट अ प्राइमर, ओके, ही बॉट वॉट, ही बॉट अ प्राइमर, ऐसे पेजेस लेकर के आया वो, ठीक है ना, और उसको अपने क्या इस तरीके से उसने पकड़ रखा था, ओके, नाउ सब लोगों ने लिख लिया, तो MML ने बोला भाई दिखाओ, तो ही उसको बोला, किसको बोला, हॉसर को, हॉसर भाई बता क्या लिखा है, तो ही जस्ट स्टूड अप, ओके, ही हेल्ड हिज प्राइमर इन हिज हैंड्स एंड देन ही बिगन रीडिंग, बट ही वॉज अनेबल टू रीड, आता नहीं था पढ़ना, क्यों नहीं आता था, ध्यान नहीं दिया था पहले पढ़ने के लिए, पढ़ने में, ठीक है। तो अब वो जो फ्रांस था ना, उसको बहुत हंसी आ रही थी, बट मतलब ही वॉज अगेन, ही वॉज फीलिंग एज इफ टू लाफ, साइमल्टेनियसली ही वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक क्राइंग, फील लाइक क्राइंग, ओके। तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए कि यार नहीं, मिस्टर फ्रांस है, ही इज गोइंग फ्रॉम देयर, ठीक है। इस तरीके से फिर आगे और बढ़े, ठीक है ना, ही जस्ट गेव दैट ऑल, मतलब ना जो दूसरे लेक्चर्स थे वो दूसरे लेक्चर्स को कर दिए, ठीक है, किसने, एम हेमल ने दिए। फिर द क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है, और जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, ओके, वहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स आ गए थे, ठीक है ना, दे रिटर्न फ्रॉम देयर ड्रिल, ठीक है ना, क्योंकि अल्फाज जो था वो किसका था, उसको अल्फाज प्रूशिया के अंडर में आ गया था, तो वहाँ पे देयर वाज दैट कंपनी ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स वाज प्लेस्ड ओवर देयर। तो जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, दे रिटर्न फ्रॉम देयर ड्रिल एंड
ओवर देयर इट हैपेंड, ठीक है ना, कि भाई वो मिस्टर एम हैमल जो थे ही रियलाइज दैट इट इज द लास्ट ऑफ हिज मोमेंट्स इन दिस स्कूल. ओके, तो ही बिगन आई वॉन्ट टू, बट ही कुड नॉट स्पीक, ठीक है ना, कुछ बोल नहीं पाए वो. इट वॉज लाइक वेरी हार्ड फॉर हिम, कि वो ही ट्राइड वेरी हार्ड बट ही डिड नॉट गेट एनीथिंग, ही कुड नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. फॉर 40 ईयर्स ही सर्व दोज पीपल एंड नाउ ही हैज टू मूव टू अनदर प्लेस. ओके, तो ही वॉज वेरी मच इमोशनल बट विथ ऑल हिज माइट. ओके, विथ ऑल हिज फोर्स, वॉट एवर फोर्स ही हैड, वॉट एम एम एल डिड, एम एम एल रोट ऑन द व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड विथ द हेल्प ऑफ चॉक. वॉट he wrote, long live France. Okay, what did he write? He wrote, viva la France. Understood? So this was your chapter. Here we have done with your chapter. Now if you want, so I can read the chapter word for word from your PDF. Okay, now I'm going to read the chapter. थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, try to grab the meaning. अगर कहीं भी problem आती है तो मैं आप लोगों को explain कर दूंगा, ठीक है? Okay. I started first school very late that morning and was in great dread of scolding. So he was what? He was in great dread. Dread ka matlab kya ho gaya? He was under great pressure of being scolded. By whom? By Mr. M. Hamel. Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. Okay. So why? First of all, why did he not? Who is I over here? Who is the narrator over here? France is the narrator. Okay, who is the narrator? France is the narrator. And he was what? He was under great dread of being scolded by whom? By Mr. M. Hamel. Why? Because he was given homework of participles. Okay, na? He was about to get questioned regarding participles and France jo tha, he was a procrastinator, so he did not read. Arre chhod, apne se kuch puchega kya? Dekh lenge apan log. And I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. Okay, na? Ab wohi tha. आज स्कूल नहीं जाते अपन लोग, तो बाहर छुट्टी लेते हैं, ठीक है. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. ओके, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड अप टू स्कूल. ओके, तो जो बंदा था इसने देखा वहां पे बर्ड्स थे, दे वर चिरपिंग. ओके, जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, दे वर ड्रिलिंग. तो इट वॉज वेरी मच गुड, ठीक है ना, सब कुछ बहुत ज्यादा सुहावना लग रहा था. लेकिन जो फ्रांस था, ही वॉज वेरी मच डिटरमाइंड, एंड वॉट डिड ही डू? ही जस्ट रेजिस्ट एवरी, ही रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन एंड ही वेंट ओवर देयर. वेयर डिड ही गो? टू द स्कूल. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. मैंने बताया था ना, बुलेटिन बोर्ड था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है. तो देयर वॉज व्हाट? देयर वॉज द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पे कुछ कुछ लिखा हुआ था, लेकिन फ्रांस ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, भाई जल्दी जाना था स्कूल के लिए, वैसे वो लेट हो गया था. For the last 2 years of all our bad news had come from there. All our bad news, so what do you mean by bad news over here? For last 2 years, this Alsace or France kept on losing wars with Prussia. ठीक है ना? Kept on losing one thing or the other. So that is why he has mentioned that all the bad news came from this bulletin board only. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers, and I have thought to myself without stopping, what can be the matter now? इतना बुरा तो हो ही चुका है, और क्या बुरा होगा? इससे बुरा और क्या हो सकता है? होता है ना, एंड जब किस्मत तब भी बोलती है बेटा आजा, तू कभी बताता हूँ क्या बुरा हो सकता है. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher. अब देखो ये watcher जो है ना, इस watcher की क्या watch करने की आदत है, वो होती है ना पड़ोसियों की आदत. Watcher था, क्या नाम था इसका? Watcher, WATCH नहीं है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है. तो इट इज व्हाट? इट इज WACHTER. ये आ सकता है आप लोगों के कि हु वाज द ब्लैकस्मिथ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैकस्मिथ, या व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ वॉचर. ओके, अलोंग विद हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस का मतलब होता है असिस्टेंट. ओके, ब्लैक बोर्ड पे थे वो, ब्लैक बोर्ड के बुलेटिन बोर्ड पे थे, देख रहे थे बुलेटिन बोर्ड पे, क्या तभी इनकी नजर किस पे पड़ी? फ्रांस के ऊपर. भाई फ्रांस जा रहा है, अरे फ्रांस इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? टाइम पे पहुंच जाएगा, चिंता मत कर, सार्कास्टिकली बोला था, ठीक है ना, पता था ऑलरेडी लेट है, अब कितना और कितना जल्दी जाएगा, ठीक है. नाउ ही इज विद हिज सर्वेंट रीडिंग द बुलेटिन, कॉल्ड आफ्टर मी. कॉल्ड आफ्टर फ्रेज होता है. ओके, कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब, कॉल आफ्टर मी इज व्हाट? दैट इट इज अ फ्रेज, ठीक है ना. कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब है आस्क करना, पूछना. कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी इतना जल्दी जाके क्या कर रहा है? सार्कास्टिकली ऐसे बोला था वो. कौन? वॉचर,
विथ हिज असिस्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है। आई थॉट क्या था, ब्लैक किस्मत था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीज एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। से भी फ्रांस होता है, ऐसे भागते 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 गया, हाफ रहा था, ठीक है। ओके, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। वही सारा वो जो बाहर होता है हॉटस्पॉट। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूनिसन, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यूनिसन। ओके, यूनिसन का मतलब होता है यूनिटरी, ठीक है ना, यूनिफाइड मैनर के अंदर। दे यूज टू रिपीट, सब एक साथ बोलते थे, रिपीट करते थे वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। इस तरीके से भाई जब वो लोग यूनिसनली रिपीट करते थे, यूज टू कीप देयर हैंड्स लाइक दिस, ठीक है ना, ओवर देयर ईयर, सो दैट वॉट कुड दे डू, दे कुड लिसन टू इट इन अ बेटर वे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। ओके, रूलर वॉज देयर, एक ऐसा रूलर होता था टीचर के पास। यहाँ पे तो है नहीं, मॉडर्न डे में पढ़ रहे हो आप लोग, बहुत लकी हो। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। काउंटेड ऑन का मतलब क्या होता है, ही बिलीव्ड ही आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। ओके, तो वॉट डज दिस पर्टिकुलर लाइन मीन, इट मीन्स दैट दिस फ्रांस ही काउंटेड, ही बिलीव दैट बिकॉज ऑफ द कमोशन, कमोशन मीन्स वॉट, ऑल द डिस्टर्बेंस विच इज गोइंग टू गेट ओवर देयर, ठीक है ना, ही वुड बी एबल टू सरप्टिशियसली, ही वुड बी एबल टू जस्ट स्लिप इन टू द क्लास विदाउट बींग नोटिस्ड, ठीक है। अब चोट हो गई, किस्मत ही फूटी थी, तो क्या कर सकता है कोई, वहां पे भाई साहब साउंड ही नहीं था, ठीक है ना। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन द प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद अ टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब वो होता है ना, शर्म आ रही थी बेचारे को, थोड़ा सा इसके अंदर ईगो था, सेल्फ रेस्पेक्ट थी, और मैं सबके सामने जाऊंगा, सब लोग मेरे को देखेंगे, वो हो तो ही वो लाइक दिस। ओके, गेट खुला, सब लोग ऐसे मुंडी करके देखेंगे मेरी तरफ। बट नथिंग हैपेंड, उस दिन कुछ हुआ ही नहीं। एम एम एल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, और गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, ठीक है ना, वी वर अबाउट टू बिगिन विदाउट यू, चल तू आगे, अच्छी बात है। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspections and prize days. ठीक है ना, तो अपनी बिल्कुल ऐसे सूट में था, मतलब उसका जो special dress थी, MML was in that. पहला क्या था? Okay. So what was different? Okay, what were the things which were different that day? Well, you see, everything was as quiet as Sunday morning. Second thing was Mr. M. Hamill was dressed in his special dress, okay, in his special attire, which was what? Which was again a green coat along with what? Along with a frilled shirt and a black embroidered cap. Hat nahi hai, dhyan rakhna. That he never wore except on inspection and prizes. Important hai, dhyan rakhna, yahan se question aata hai. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hosser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Everybody looked sad, and Hosser had brought an old primer, thumbed at the edges and held it open on his knees with great spectacles lying across the pages. Okay, तो ये था इस तरीके से, there was a primer, उसको इस तरीके से knees के ऊपर उसने रखा हुआ था, ठीक है ना, and there were spectacles which were kept over there on the primer. Primer is something like this folded paper type, ऐसा होता है, ठीक है ना, पहले के time पे होता था फरमान type, है ना. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair. And in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very much attentive." ठीक है भाई, सुनने आ गया, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. What a thunderclap these words were to me. भाई साहब ऐसा सुना नहीं, और जो फ्रांस था उसके भाई वो हो गया भाई, मतलब ऐसे बिल्कुल बिजली कड़क गई उसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे शॉक्ड हो गया, अरे भाई ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो वैल्यू थी नहीं, लेकिन आज उसके पास वैल्यू आ गई थी.
Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. ये था, this was what they put up over there. My last French lesson, why? आज फ्रांस को ये लग रहा, भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसे कैसे लास्ट लेसन हो सकता है? I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the sar. My books, that had seemed much such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now. That I could not give up. Okay, तो अभी तक तो क्या था, जो भी इसको बहुत ज्यादा ऐसे बर्डन सम लगता था, ठीक है ना, कि भाई दिस वॉज दिस यूज टू बी बर्डन. आज उसको क्या लग रहा था, आज ही वॉज थिंकिंग दैट दीज ऑल वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स विच ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप. नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दू भाई साथ. एंड नैम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी ही हेम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. ठीक है ना, कितना ऐसे चिड़चिड़ करते थे हर बात के ऊपर, ये सो क्रैंकी. लेकिन क्या हो गया, अब तो नहीं यार, एम एम एल भी इतने अच्छे थे, वो भी जा रहे हैं, ऐसे होते ना इमोशनल हो जाते हैं. तो भाई आज फ्रांस होता है, वो इमोशनल हो गया. पुअर मैन, इट वॉज एन ओनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ. ओके, तो वाई डिड एम हैमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, बिकॉज ऑफ द रीजन. ओके, बिकॉज इट वॉज वॉट, इट वॉज हिज लाइफ लास्ट लेसन. ओके, तो इन ओनर ऑफ दैट लास्ट लेसन ही पुट ऑन दोज फाइन क्लोथ. And now I understood why the old man of the village was sitting there. In the back of the room, it was because they were sorry, too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of service, of faithful service, and of showing their respect for the country that was theirs no more. Okay, so kya hua? Matlab aise jo log the, they were also sitting over there. Why were they sitting? They were sitting because as a sign of respect, as a mark of respect. फॉर द टीचर फॉर द कंट्री दैट वॉज नो मोर देयर. ठीक है ना, वो क्या हो गए थे, जर्मन हो गए थे. व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑन दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड हावी फ्रांस. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट बाई स्ना. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू. भाई मतलब वो था लास्ट लेसन था आज, तो भाई बिल्कुल ऐसे इमोशनल हो रखा था. तो ये बोला आज तो मैं से कुछ भी ले लो, बस मेरे को बता दो मेरे को बोलना क्या है. लेकिन पढ़ाई नहीं था तो कहाँ से आएगा. Very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the words with participle, 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 participle. ऐसे हो गया उसके साथ, किसके साथ, फ्रांस के साथ. पढ़ाई नहीं था ना, प्रोक्रास्टिनेटर था. Okay, fine. So, but I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. ऐसे मुंडी लटका के जैसे सब लोग खड़े होते हैं वैसे खड़ा हो गया. ओहो, I heard Am Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. मैं आज डांटूंगा नहीं तेरे को, तेरे को खुद को शर्म आनी चाहिए. फ्रांस पढ़ा नहीं तूने. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow." Now these fellows out there will have the right to say to you, "How is it? You pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst poor little Franz. We have all." A great deal to reapproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or in the mills. So as to have a little money, more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened the grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. Okay, उस दिन तो सब कुछ बहुत ज़्यादा emotional था ना, पता था एमएमएल को भी last lesson है, तो आज थोड़ा सा patience के साथ अच्छे से पढ़ाया उन्होंने.
It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our hands at one stroke. भाई एक बार में ही सब कुछ घुसा देना चाहता था अपने दिमाग में, इनके उनके दिमाग में घुस चुके. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the school room. Okay, तो उन्होंने इनके पास कहा था for that day. M. Hamel gave them new copies. Okay, और उनके ऊपर क्या लिखा था? France, Alsace. And it was similar. It was looking as if the small flags were floating in the classroom. ठीक है ना, अलग अलग copies थी, numbers के अंदर copies थी तो ना सुनाया. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. ठीक है ना, तो सब लोग लिखने लग गए तो सब मतलब है ना बहुत ज़्यादा शांत था सब कुछ, सब लोग बहुत ज़्यादा serious थे, no nuisance at all. Okay, so now the only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in. Okay, वो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो लोगों को भी आदत होती है, जिस वजह से आपके स्कूल में भी ऐसा होगा if some beetle is coming, तो everybody is like बच्चों 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 ऐसा होता है. उस वक्त सब लोग शांत थे, किसी ने उस बीटल के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया. But nobody paid attention to them, not even the little ones who worked right on raising their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low. Okay, अब ये important है यहाँ पे. देखो, pigeons का थोड़ा सा जिक्र है. Okay, तो वहाँ पे कहता है ऐसे roof थी, roof के ऊपर कहते हैं pigeons थे. ठीक है ना, तो जो France था ये पता है अलग ही level का सोचता था. Pigeons was cooing. ठीक है ना, गुटरगू कर रहे थे. तो France was like, अरे भाई चलो ठीक है, pigeons गुटरगू कर रहे हैं ना, if they were cooing, तो would those German make them coo in German? वो जो जर्मन वाले लोग हैं वो इन पिजन्स को भी बोलेंगे गुटर को जर्मन में करो. ओके, नाउ व्हेनेवर आई लुक्ड, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है, ये अपन लोग है ना, अपन लोग के जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो वहाँ पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पिजन वाला थिंग. ठीक है ना, वहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा टुमारो. व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग आई सॉ एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Okay, so what happened, matlab jab bhi wo friends hota wahi tha, man to lag nahi raha tha, upar dekha to bhai am ml the, wo dekhe dekh rahe the, do do wo bhi bechare kya karenge, wo bhi dekh rahe the ki bhai chalo aaj last bar main dekh lu sab kuch. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and in his class in front of him just like that. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. Okay, and the hop vine that he had planted himself twined about the window to the roof. Okay, जो hop vine जो vine creeper था वो क्या था? With the support of the window, it took to roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. Okay. कि भाई मतलब फ्रांस वॉज फीलिंग वेरी मच सैड फॉर मिस्टर एम हैमल बिकॉज एम हैमल हैड टू लीव द कंट्री इज अ वेरी नाइस डे एंड एम हैमल वॉज एबल टू लिसन टू हिज सिस्टर हु वॉज पैकिंग ओवर देयर. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12 देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. माई फ्रेंड्स I, so M. Hamel tried to speak, but because he was emotional, he could not speak anything. Okay, so he got choked, something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk. I don't have a chalk over here. Okay, but I do have a marker. Okay, so he turned to the blackboard and he took what? He took a piece of chalk. And wearing it on with all his might, he wrote as large as he could. What? Wave. La. France, and he wrote like this. ठीक है, will love France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. Bye bye, जाओ भाई जाओ. See, school is dismissed. You may go. Okay, so this was your last lesson was taken, and we are. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा.
टुमारो वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर, ठीक है, थोड़े से बड़े होंगे प्रीवियस क्वेश्चन है वो लोग उसके अकॉर्डिंग थोड़े से कर लेंगे, ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू पीपल, थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग. टेक केयर, बाय.